हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लीजिए। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारी पूरी लेक्चर सीरीज है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो सकती है, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के लेक्चर्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो एटलीस्ट लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीआईवी यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज या जिसे हम पीक रिवर्स वोल्टेज भी कहते हैं वो क्या होता है आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो जैसे कि आपको मैंने कई बार पीक इनवर्स वोल्टेज की डेफिनेशन बताई है तो एक बार और बता देता हूँ कि देखिए, कोई भी अगर आपका डायोड है और वो अगर आपका रिवर्स बायस में है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जबकि इनपुट वोल्टेज जो है वो अपने पीक पर हो तो उसे हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको पता है ये जो हमारा सर्क्यूट है ये आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का है और ये आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। ये इसके प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो अब आपको पता है अगर हम इसके प्राइमरी पर एसी इनपुट अप्लाई करते हैं तो हम उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए दोनों ही के लिए परिणाम देखते हैं कि इस सर्क्यूट पर क्या होते हैं। तो सपोज कीजिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा। तो अगर आप ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको पता है जो पोलैरिटीज होगी सेकेंडरी साइड में वो इस तरीके से होगी, यानी कि पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पर ये है आपको कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी है आपको पता है ये भी आपकी दो हाफ में डिवाइडेड है। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो इस सेकेंडरी के इस हाफ में जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा यानी कि वीआई की जो वैल्यू होगी वो वीएम होगी। उसी तरीके से जो लोअर हाफ है सेकेंडरी में, ये जो लोअर हाफ है इसमें भी यहाँ पर ये वीएम होगा। ठीक है, और पोलैरिटीज इसकी इसी तरीके से होंगी, ये माइनस और ये प्लस। और अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये जो पॉजिटिव है ये डायोड डी1 के पी साइड से कनेक्टेड है। इसका मतलब जो डायोड डी1 है ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा और डायोड डी2 यानी कि इसकी जो पी साइड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब डायोड डी2 जो है वो आपका रिवर्स बायस रीजन में होगा। ठीक है, अगर आपका डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में होगा इसका मतलब हम इसको आइडियल कंडीशन में शॉर्ट सर्क्यूट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस यही अपीयर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वी नॉट जो है वो वीएम के ही इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है पीक इनवर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम D1 के लिए तो पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, तो हम डायोड D2 के लिए ही पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यानी कि जो लोअर हाफ है ये इसमें हम लगाएंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर लगाएंगे तो यहाँ पर अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं कि जो लोअर हाफ में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है वीएम यानी कि प्लस वीएम। उसी के साथ साथ जो आपका लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस भी वीएम है तो ये भी हो जाएगा वीएम। और इस डायोड D2 के अक्रॉस ही आपको PIV निकालना है तो ये माइनस है और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस पीक इनवर्स वोल्टेज यानी कि जिसके अक्रॉस निकालना है इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2VM माइनस PIV इज इक्वल टू जीरो। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो हो जाएगा आपका 2VM यानी कि डायोड D2 के अक्रॉस जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगा वो 2VM होगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकाल लेंगे तो उस केस में आपका डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अगर आप डायोड D1 के लिए भी पीक इनवर्स वोल्टेज निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी आपकी 2VM ही आएगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पीक इनवर्स वोल्टेज आपको ध्यान है हमने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी निकाला था और उसकी वैल्यू आई थी आपकी VM। तो ये जो फैक्टर है पीक इनवर्स वोल्टेज ये आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए अलग होता है यानी कि वीएम, और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अलग होता है यानी कि ट्वाइस ऑफ वीएम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके बन जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है।
TUF क्या होता है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसे हम कहते हैं, आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, तो जो सेकेंडरी करंट होती है वो आपकी हर एक हाफ साइकिल के लिए हर एक हाफ में अलग अलग फ्लो करती है। यानी कि आपको पता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें, तो आपकी करंट जो है वो इस अपर हाफ में फ्लो करती है। उसी के साथ साथ जो आपका दूसरा हाफ साइकिल होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, उसके लिए जो करंट है, सेकेंडरी करंट, वो इस वाले हाफ में फ्लो करती है। तो ये आपको पता है। जबकि जो आपकी प्राइमरी करंट है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती है आपकी प्राइमरी साइड पर, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हम अलग अलग ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका एवरेज हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये बात अभी आपको थोड़ी सी आगे क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम TUF निकाल लेते हैं, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सेकेंडरी वाइंडिंग्स का, सेकेंडरी वाइंडिंग्स का। तो आपको डेफिनेशन पता है, ये होती है आपकी डीसी पावर डिलीवर टू दी लोड, यानी कि डीसी लोड पावर अपॉन आपका आ जाएगा कि पावर रेटिंग्स क्या है आपकी सेकेंडरी की, अपॉन पावर रेटिंग्स ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। तो अब आपको पता है इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ये हो जाएगा आपका IDC इंटू VDC, क्योंकि P इज इक्वल टू VI आपको पता है। उसी के साथ साथ पावर रेटिंग्स ऑफ सेकेंडरी क्या आ जाएंगी, IRMS इंटू VRMS। अब इन सभी की वैल्यूज आपको पता है तो रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 IM बाय पाई। उसी के साथ साथ ये हो जाएगा आपका 2 VM बाय पाई अपॉन में IRMS और VRMS की वैल्यूज हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा IM बाय रूट टू। उसी तरीके से ये हो जाएगा VM बाय रूट टू। इसे फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8 अपॉन पाई स्क्वायर। ये लास्ट टाइम भी हमने कैलकुलेट किया था, यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 0.812, ठीक है। तो ये आ गई आपकी सेकेंडरी की TUF, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर सेकेंडरी, ठीक है। अब उसी के साथ साथ हम निकाल, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेनी है कि जो प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की, वो आपके दो जो हाफ वेव रेक्टिफायर्स हैं उनको फीड करती रहती है। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से भी समझ लें, ये जो ऊपर वाला आपका हाफ है, ये आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। उसी के साथ साथ जो नीचे वाला है, ये आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। तो जो आपकी प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की, वो दोनों ही हाफ वेव रेक्टिफायर्स को फीड करती रहती है। लेकिन ये जो दोनों ही हाफ वेव रेक्टिफायर हैं, ये एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन एक कॉमन लोड को फीड करते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा प्राइमरी का, वो होगा आपका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर प्राइमरी, वो क्या होगा आपका 2 इंटू ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी बताया है कि जो दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स हैं इनको कंटिन्यूअसली फीड करती रहती है। अब आपको पता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, तो वो था आपका 0.287। इसको आप फर्दर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.574, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर प्राइमरी का भी आ गया और सेकेंडरी का भी आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी का एवरेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका TUF ऑफ प्राइमरी प्लस TUF ऑफ सेकेंडरी अपॉन टू, ठीक है। दोनों ही का हमने एवरेज ले लिया है। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू आपको पता है, प्राइमरी का आया है आपका 0.812 और इसी तरीके सेकेंडरी का आपका निकला है 0.574, ठीक है। अपॉन आ जाएगा आपका 2, इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693 या फिर 69.3%, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपका कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए अलग होता है और आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अलग होता है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर है वो 69.3% यूटिलाइज होता है आपका
फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को यूज किया है। तो देखिए ये जो दो चीजें हैं यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज और आपका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। दोनों का मतलब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए अलग होता है और आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अलग होता है। जबकि और जो अन्य चीजें हैं यानी कि जैसे डीसी वैल्यूज और आरएमएस वैल्यूज के साथ साथ जो एफिशिएंसी है वो आपकी कॉमन रहेगी, इसीलिए हमने इन्हीं दो फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर और पीक इनवर्स वोल्टेज। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो एटलीस्ट लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक करने से ही हमें पता लगता है कि जो हमारा प्रयास है वो आपको पसंद आ रहा है। उसी के साथ साथ शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर्स यूजफुल हो सकते हैं।